उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के दिनेशपुर मुख्य चौराहा नेताजी सुभाष चौक पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मटकोटा दिनेशपुर गदरपुर मार्ग निर्माण एवं सुंदरपुर मार्ग निर्माण के लिए एक दिनी उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि कई दिनों से गदरपुर मटकोटा मार्ग को लेकर शासन प्रशासन को लिखित में अवगत करा चुके हैं। शासन स्तर पर कर्मचारी कभी DPR व कभी टेंडर की बातें सड़क निर्माण को लेकर कर रहे हैं, परंतु धरातल पर सड़क की जर्जर हालत हो गई है। तो गदरपुर मटकोटा मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें लोगों का चलना दुर्बर हो गया है। कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि सड़क की जो हालत है चलने लायक नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और हमको बार बार सुनने को मिल रहा है कभी अखबारों के माध्यम से कि इसका DPR बन गया, इसका सैंक्शन हो गया, काम शुरू होने वाला है। कई बार हम देखते हैं कि JCB से दो तीन गड्ढे भर के फ़ोटो खींच के अखबारों में हम देख रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। हमारा मकसद ये है कि सड़क अगर सही हो, सरकार ठीक से काम कर रही है, जिनको इस जिम्मेदारी दी गई है इस सड़क को, PWD चाहे जो भी बना रहे हो, तो हमको इस तरह के बैठने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार सड़क बनाए, पब्लिक ने सरकार चुन लिया। अब सरकार की लाइबिलिटी बनती है कि उस जनता की जो समस्याएं हैं उसको ठीक करें। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अब सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। डबल इंजन की सरकार है, यहाँ तो काम तेज चलना चाहिए ना। हमें तो लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार चल ही नहीं रही, इंजन ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।